राजधानी दिल्ली से बेहद संगीन मामला सामने आया है, जहां उत्तरी पश्चिम जिले की पुलिस टीम ने 48 घंटे के अंदर महज 3 मिनट में हुई 3.5 करोड़ की लूट का खुलासा किया है। और इतना ही नहीं, लूट में शामिल 7 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक 14 जनवरी की तड़के पीतमपुरा स्थित रिलायंस ज्वेल्स के शोरूम में डकैती की वारदात हुई। कार सवार 7 बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बनाकर करीब 6.5 किलो से ज्यादा सोने के गहने लूट लिए। फिलहाल ये 7 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनके पास से लगभग लूटा हुआ पूरा गोल्ड भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस इनकी क्राइम हिस्ट्री खंगाल रही है। हमें पता पड़ा कि पेटू शेख फरार हो चुका है अपने भाई के साथ और वो ट्रेन से बंगाल की तरफ रवाना हो चुका है। जीआरबी से कांटेक्ट करा गया, टीटी से कांटेक्ट करा गया और हजारीबाग में जाके पेटू शेख को पकड़ लिया गया और उसके पास से अराउंड 1800 ग्राम्स की रिकवरी हुई है गोल्ड ज्वेलरी की। वहीं पे रिकवरी हुई, हमारी टीम भी साइमल्टेनियसली बाय एयर रवाना हो गई और उनकी अरेस्ट हो चुकी है एंड दे आर कमिंग। इसमें पेटू शेख और उसका भाई बिट्टू शेख हैं, एक रिसीवर है और एक ने वारदात को अंजाम दिया। साथ ही और भी टीम्स एक्टिवेट थी, अपना काम कर रही थी तो शंकर का पता पड़ा। शंकर को नजफगढ़ से लिया गया, ये पहले शाबाद डेयरी में रहता था, फिर नजफगढ़ से इसको उठाया गया। इसके पास से लगभग 0.5 किलोग्राम ज्वेलरी की रिकवरी हुई। इसके घर से मिट्टी में दबा के गड्ढा बना के उन्होंने ज्वेलरी रखी हुई थी, यहाँ ये रिकवरी हुई। इसी तरह हम लोग अपने अपने एक्ट करे जा रहे थे, क्लूज मिले जा रहे थे हमको और टोटल काफ़ी लोगों की अरेस्ट कर लिया। नेक्स्ट हमने सूरज को अरेस्ट करा, सूरज को फिरोजपुर हरियाणा से अरेस्ट करा और इसने शानू कबाड़ी को भी दे दिया था, तो 100 ग्राम शानू कबाड़ी से और 150 ग्राम की रिकवरी सूरज के पास से हुई। बता दें, साल 2019 में भी इसी शोरूम को बदमाशों ने निशाना बनाया था और वे सभी बदमाश पकड़े भी गए थे। पंजाब केसरी ग्रुप के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली।